सबसे पहले तो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के ज्योतिष प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, उसके लिए बार बार प्रयास करने के बाद भी आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, खास करके जल्दी विवाह होने की कामना आप रखते हैं, लेकिन विवाह के लिए जहां कहीं पर भी बातें चलती है, बात सफलता तक नहीं पहुंच पाती है। माता पिता की कामना है कि उनके बच्चों का जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए, बेटा या बेटी की जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, लेकिन जहां कहीं पर भी प्रयास किया जा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, शनिवार के दिन आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना होगा और एक ऐसी छोटी सी चमत्कारी प्रयोग विधि है, यदि इस प्रयोग विधि को आप अपनाते हैं तो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में शादी में विवाह में देरी कराने वाला कोई बड़े से बड़ा दोष भी बना होगा तो वह दोष तत्काल नष्ट होगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग हनुमान जी महाराज की कृपा से अवश्य बन जाएगा। ध्यान रखें प्रिय दर्शकों, श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के एक ऐसे चमत्कारी प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी शरण में यदि आप किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण विशुद्ध भाव से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से रखते हैं तो हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की जो कामना है उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। यदि किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में यदि लगातार समस्या बनी हुई है, जहां कहीं भी प्रयास किया जा रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो जरूर ध्यान रखना, हनुमान जी महाराज आपकी कामना जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देंगे, चाहे कुंडली में कैसा भी कोई दोष बना हुआ हो। किसी भी शनिवार के दिन एक पीपल के पत्ते का ऐसा चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं। इस प्रयोग को आपको हनुमान जी महाराज के चरणों के समक्ष आपको करना है, हनुमान जी महाराज के समक्ष इस प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना होगा। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन विवाह से रिलेटेड कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, इस उपाय को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं भी कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बच्चों के जल्दी विवाह होने के लिए इस प्रयोग विधि को जरूर अपनाएं। किसी भी शनिवार से इस प्रयोग को शुरू किया जा सकता है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, जिस किसी भी शनिवार से आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर रहे हैं, ध्यान रखें यह प्रयोग विधि दोपहर के 12 बजे से पहले आपको संपन्न करनी है। जिस किसी भी शनिवार से आप प्रारंभ कर रहे हैं, लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं या माता पिता अपने बच्चों के जल्दी विवाह के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य करना है तांबे के पात्र में जल लेके सर्वप्रथम सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद श्री सूर्य नारायण भगवान से अपने शीघ्र विवाह की कामना कर लें। माता पिता प्रयोग कर रहे हैं तो बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए श्री सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी विवाह का कार्य हो जाए। उसके बाद घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे जो आपकी कामना है उसके लिए प्रार्थना कर लें। यदि कोई भी इष्ट देव नहीं है तो जो विराजित देवी देवता हैं उनसे आप अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। पूर्वज हैं, पित्रादि देव है तो उनसे आप अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। विशेष करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको कामना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष बना हुआ है। माता पिता कर रहे हैं तो मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में शनि से जनित, राहु से जनित, मंगल से जनित किसी भी प्रकार के कोई ग्रह दोष के कारण उसके विवाह होने में बाधाएं बार बार बनी हुई है, तो हे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी उसकी कुंडली के ग्रह दोष को शांत करना और जल्दी से जल्दी उसका विवाह होने का योग बना देना। इस प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात आपके आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो तो आपको वहां जाना होगा,
एक स्वच्छ साफ एक पीपल का पत्ता आपको लेकर के आना है, कटाफटा नहीं होना चाहिए। घर ला करके उसको शुद्ध जल से धो लें, गंगा जल का आप उस पर छींटा मार लीजिए। उसके बाद में आप थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए, एक माचिस की तिल्ली पर आप थोड़ा कॉटन लगा करके, पीला चंदन आपके पास होना चाहिए, पीला चंदन हो, उसमें थोड़ा गंगा जल या जल मिला के उसको थोड़ा सा चंदन, उसको आप उसका एक घोल तैयार कर लीजिए। और आपको उस पीपल के पत्ते पर सबसे पहले लिखना है अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, जय श्री राम। जय श्री राम लिखने के बाद जिसके निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हैं उनका नाम लिख दीजिए आप नीचे, जिसके विवाह होने में बाधा आ रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाम लिख दीजिए और नाम के नीचे उसकी उम्र लिख दीजिए। जो भी वर्तमान समय में अभी जो भी उसका चल रहा है, यदि 28वां वर्ष चल रहा है तो 28 आप लिख दीजिए, 27वां चल रहा है 27 लिख दीजिए, 30वां चल रहा है तो 30 लिख दीजिए। उम्र लिख करके नीचे लिख देना है आपको शुभ विवाह है। पीले चंदन से पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिख करके जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका नाम लिखना है, उम्र लिखना है और नीचे शुभ विवाह लिख देना है। इतना करने के बाद उस पीपल के पत्ते को अपने सामने रख लीजिए, एक गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके उसको आप पीपल के जो पत्ता आपने रखा है उस पत्ते के ऊपर रख लीजिए। उसके पश्चात आपको वह पीपल का पत्ता गुलाब के पुष्प के साथ, यदि बच्चा बच्ची स्वयं उपस्थित है और बच्चा बच्ची उपाय नहीं कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, तो बच्चा या बच्ची को अपने पास खड़ा करके उस पर उसको क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए, पीपल के पत्ते को और गुलाब के पुष्प को क्लॉकवाइज 7 बार वार के श्री हनुमान जी महाराज से जो आपकी कामना उसके लिए प्रार्थना करें। और किसी से भी बातचीत बीच रास्ते में नहीं करनी, आपको जाना होगा सीधा हनुमान जी महाराज के मंदिर में। हनुमान जी का ऐसा मंदिर हो जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो हनुमान जी महाराज की, जिसमें सुबह शाम आरती बत्ती हो। ऐसे मंदिर में जाकर के उस पीपल के पत्ते पर जो गुलाब का पुष्प आपने रखा है आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष उसको समर्पित कर देना है। और इतना करने के बाद एक चमेली के तेल का दीप आपको प्रज्वलित करना है हनुमान जी महाराज के मंदिर में। यह पीपल का पत्ता और गुलाब का पुष्प समर्पित करने के बाद चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करें और आसन पर बैठ करके 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। बहुत ही प्रभावी मंत्र है जो जल्दी से जल्दी शीघ्र विवाह होने की कामना को पूर्ण करेगा, अर्थात आपकी कुंडली में विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को तत्काल नष्ट करके आपके लिए मंगलकारी योग बनाएगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठ करके। ध्यान रखें जब ये 108 बार आपका जप, 108 बार जो जप है आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, सच्ची तन्मयता से, एक प्रगाढ़ संकल्पबद्ध तरीके से श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी कामना को, अपनी भावना को रखें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में कैसा भी कोई दोष बना हो, उस दोष को दूर करके इसके जल्दी से जल्दी विवाह होने का योग बना देना। ध्यान रखना हनुमान जी महाराज इतने दयालु हैं और कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी और चमत्कारी देव कहे जाते हैं। यदि पूर्ण भाव से इस प्रकार से शनिवार के दिन आप इस विधि को करेंगे तो हनुमान जी महाराज, यकीन मानिए, मेरा तो पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास है श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देंगे। किसी भी शनिवार से प्रारंभ करके ध्यान रखें, ऐसा जो विधान है इसका, वैसे 7 शनिवार का विधान है, 7 शनिवार तक आप इसी प्रकार से विधि संपन्न करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि 7 शनिवार भी कहीं ना कहीं ना हो उससे पहले ही आपके बेटा या बेटी का शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। तो ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग विधि है श्री हनुमान जी महाराज की, जो किसी भी लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह होने का योग बनाएगी। और शनिवार के दिन जब आप इस प्रयोग विधि को संपन्न करते हैं तो इसके साथ में एक छोटा सा काम और कर लें, एक सरसों के या तिल्ली के तेल का दीपक शाम के समय, शनिवार को, जिस शनिवार को कर रहे हैं, सुबह आपने हनुमान जी का प्रयोग किया 12 बजे से पहले और सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का या तिल्ली का तेल का दीपक प्रज्वलित करके भी
श्री हनुमान जी महाराज से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। किसी भी शनिवार के दिन यदि ये दो कार्य आप कर लेते हैं तो कुंडली में विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला कैसा भी कोई दोष बनाओ निश्चित रूप से शांत होगा। और मैंने मैरिज से रिलेटेड लाखों कुंडलियां रिसर्च करके देखी है, किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में बहुत ज्यादा डिले होता है, या तो मंगल की वजह से होता है या शनि देव की वजह से होता है। ये दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण, इनका कहीं ना कहीं रोल होता है किसी भी लड़का या लड़की के मैरिज में डिले करवाने के लिए। यदि आप हनुमान जी महाराज का ये प्रयोग करते हैं तो कैसी भी कोई नेगेटिविटी ग्रह दोष कैसा भी क्यों ना बना हो निश्चित रूप से शांत होगा और जल्दी से जल्दी आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों के लिए कामना करूंगा कि जो भी इस उपाय को करेगा शीघ्र विवाह होने के लिए, हे इष्ट देव, हे हनुमान जी महाराज, उसका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण कर देना। प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड आपको बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करनी है, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। और आपको अपने आप से खुद से जानना आपका विवाह कब होगा, कैसे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए और दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो एक बार ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।